हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट अगेन प्लस। मैं प्रभात कुमार प्रसाद। और देखिए, जैसा कि हम लोग टॉपिक चल रहा है वो है आपका सॉलिड प्रोजेक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉलिड प्रोजेक्शन में जो क्वेश्चन किया था वो सिंगल एंगल प्रोजेक्शन का विद रेस्पेक्ट टू एचपी था, जो एंगल आपका था विद रेस्पेक्ट टू एचपी था। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये जो आपका क्वेश्चन है आपका पिरामिड का ही है, क्वेश्चन आपका पिरामिड प्रोजेक्शन का ही है, लेकिन ये आपका क्या है विद रेस्पेक्ट टू आपका वीपी होगा सिंगल एंगल प्रोजेक्शन पे। तो पहली चीज ये है कि आज का जो वीडियो है उसमें क्या क्या हाइलाइट्स होंगे, तो थोड़ा सा हाइलाइट्स की तरफ ध्यान देते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो प्रिज्म है और पिरामिड है, इसमें अगर अंतर की बात करें, जो डिफरेंस की बात करें, तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का नजर आता है कि प्रिज्म जो होता है और पिरामिड जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ शेप का डिफरेंस होता है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, ये आपका फ्रंट व्यू ले ले रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास ये फिगर मैं दिखा दूं कि अगर मैं बात करूं कि दिस इज प्रिज्म, ठीक है, शेप जो आपका नीचे होता है, जो बेस पे नीचे शेप होता है, सेम शेप आपका क्या होता है टॉप पे भी होता है। तो ये आपका क्या होता है, आपका ये प्रिज्म है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि प्रिज्म की बात करूं तो ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म होगा, क्योंकि आपका बेस भी हेक्सागोन है और आपका टॉप भी आपका हेक्सागोन है। अगर मैं बात करूं इस केस की बात करूं तो ये देखिए, ये आपका इसका ट्रायंगल आपका बेस है और टॉप आपका ट्रायंगल है, और इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या है ट्रायंगुलर प्रिज्म है। और वैसे ही अगर मैं बात करूं तो ये सर्कल की बात कर सकते हैं कि आपका जो बेस है और टॉप है दोनों आपका सर्कुलर है, तो ये आपका सर्कुलर जो बोल सकते हैं प्रिज्म है, और इसी को हम लोग जनरल वे में क्या बोलते हैं सिलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था कि इसमें बेस और टॉप दोनों के दोनों सेम होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें पिरामिड की, तो पिरामिड में बस इतना ही सा चेंज आता है कि आपका इसका बेस तो होता है, एक शेप होता है, बट टॉप की बात करें तो टॉप पे एक पॉइंट आता है, यानी कि एक एपेक्स आता है। तो सेम अगर हम देख सकते हैं कि ये आपका एक हेक्सागोन है जिसमें आपका हेक्सागोन का बेस है, बट यहां टॉप की बात करें तो एक आपका एपेक्स है। सेम वे अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखेंगे कि ये आपका क्या है स्क्वायर है, और इस पे टॉप पे क्या है आपका एपेक्स है, तो ये आपका क्या हो गया स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। तो इस टाइप के आपके मेन क्या रहता है कि आपका जो बेस होता है आपका इसमें वो एक शेप होता है, मगर जो टॉप होता है वो क्या होता है एक आपका एपेक्स होता है। मगर यहां पे जब बात करें प्रिज्म की, तो प्रिज्म में आपका बेस और टॉप दोनों के दोनों क्या होते हैं सेम शेप होते हैं, बस इतना ही सारा डिफरेंस है। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं क्वेश्चन वो आपका है सिंगल एंगल प्रोजेक्शन का, आपका वीपी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन करेंगे पिरामिड का। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले पढ़ने से क्या होता है कि चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, अ स्क्वायर पिरामिड। तो हमारा एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो आपका मटेरियल है क्या है आपका स्क्वायर पिरामिड, यानी कि जो शेप है आपका कैसा है आपका स्क्वायर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, कौन सा सॉलिड प्रोजेक्शन है आपका, तो ये आपका पिरामिड का सॉलिड है, ठीक है। एज ऑफ बेस 30 mm, तो बेस का साइड आपका क्या दिया है, आपका 30 mm का आपका बेस जो है, आपका बेस का जो एज है वो आपका 30 mm है। एज मतलब आपका साइड जो है आपका वो 30 mm। एंड एक्सियल हाइट, एक्सियल हाइट इज 60 mm। वही बात है, जो एक्सिस आपका हाइट होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये पिछले वीडियो में भी जाना था कि जो हमारा मटेरियल होता है, अगर हम बात करें पिरामिड की, तो इसका कभी भी हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये हाइट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हाइट जो होता है और ये हाइट जो होता है दोनों में अंतर है। अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो है ये आपका स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट है, एंड दिस वन इज एक्सियल हाइट, या बोल सकते हैं एक्सिस है, ठीक है। तो यही आपका एक्सियल हाइट होता है वो स्लैंट हाइट होता है। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, एक्सियल हाइट, एक्सियल हाइट मतलब कि आपका एक तरह से बोले तो एल्टीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं वो एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो एल्टीट्यूड दिया हुआ है, ना कि स्लैंट हाइट दिया है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में 60 mm आपका एक्सियल हाइट दिया है। उसके बाद बोलते हैं हैविंग अ साइड ऑफ बेस, हैविंग अ साइड ऑफ बेस इन द वीपी, जो आपका साइड है बेस का वो वीपी पे है, यानी कि कंडीशन से हमें क्लियर हो रहा है कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये वीपी के कंडीशन का क्वेश्चन है, वीपी के रेस्पेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद बोलता है इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू वीपी, तो आपका एंगल किससे इंक्लाइंड है, आपका इंक्लिनेशन किससे है 45 डिग्री टू वीपी से, वर्टिकल प्लेन से, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन।
ठीक है, तो हमको इसका प्रोजेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले चीज आदत ये डालिए कि जो चीजें हमको दी है पहले हम उसको एक जगह लिख लेते हैं। तो सब चीजें क्या क्या दी है पहले ध्यान देखते हैं कि सबसे पहले चीज दिया है कि स्क्वायर पिरामिड है। तो स्क्वायर पिरामिड है इसका मतलब हमारा शेप मालूम है और क्या हमें बनाना है ये चीज हमें क्लियर है। तो हमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग को स्टार्टिंग डायग्राम बनाना जरूरी होता है। देखिए जब तक स्टार्टिंग डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे तब तक आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको आगे क्या करना है उसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग डायग्राम के लिए मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। तो स्क्वायर पिरामिड दिया हुआ है आपका, बोलता है कि एज ऑफ बेस आपका कितना है, तो वो आपका दिया है 30 mm। एज ऑफ बेस आपका दिया हुआ है 30 mm, ठीक है। तो एज ऑफ बेस आपका 30 mm दिया हुआ है। अब 30 mm के हिसाब से हमको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है जिसमें आपका बेस 30 mm होगा। उसके बाद बोलते हैं एक्सियल हाइट इज 60 mm। एक्सियल हाइट इज 60 mm। तो आपका क्या है, एक्सिस का हाइट आपका 60 mm दिया हुआ है। हैविंग अ साइड ऑफ बेस इन द वीपी, हैविंग अ साइड ऑफ बेस इन द वीपी मतलब कि आपका साइड केस है और कहां है आपका, इन द वीपी, साइड इन द वीपी। तो ये आपका जो स्टार्टिंग डायग्राम का कंडीशन है यहां से क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आपका इंक्लिनेशन क्या बोल रहा है, 45 डिग्री टू वीपी। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोग को ये जो चार कंडीशन दिए हैं इन चार कंडीशन से ये क्लियर हो जाएगा कि हमें फिगर जो बनाना है स्टार्टिंग डायग्राम वो क्या बनाना है। देखिए पहला चीज हो गया कि स्क्वायर पिरामिड बनाना मतलब कि शेप आपका स्क्वायर है। दूसरा क्या बोल रहा है, एज ऑफ बेस 30 mm मतलब हमको बेस का साइज मालूम है, मतलब एज का साइज मालूम है 30 mm, एक्सियल हाइट मालूम है और हमें साइड इन द वीपी है। यानी कि अगर हम बात करें सॉल्यूशन की बात करें तो दिस वन इज एक्स वाई। तो अगर हम बात करें तो हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है, साइड इन द वीपी, साइड इन द वीपी क्या है आपका, स्क्वायर है। तो देखिए आपका अगर मैं ये फिगर बनाऊं और एक ये फिगर बनाऊं तो विच वन इज करेक्ट। तो देखिए हमारा जो कंडीशन कहता है, जो हमारा रूल कहता है, रूल ये कहता है कि हमारा सॉलिड प्रोजेक्शन में जो कंडीशन दिया हुआ है वो आपका राइट साइड फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंग देखें तो ध्यान से देखिएगा कि आपका कंडीशन क्या बोल रहा है, साइड इन द वीपी, साइड इन द वीपी, तो आपका साइड केस होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आपका साइड इन द वीपी है आपका यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए ये अगर आप मैं बात करूं तो ये साइड जरूर है लेकिन क्या ये वीपी में है, नहीं, यहां पे आपका ये वीपी में नहीं है। तो ये भी क्रॉस गलत है, साइड जरूर है राइट साइड मगर ये आपका वीपी में नहीं है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये भी आपका ध्यान से देखिए, यहां तो कॉर्नर है तो ये तो ऐसे ही ऑटोमेटिक कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारा कंडीशन क्या बोला है, वीपी में बोला है, तो यानी ये दोनों तो कहां है, ये दोनों के दोनों कहां है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका नीचे का पोर्शन जो होता है ये एचपी होता है और ये आपका ऊपर का पोर्शन क्या होता है, वीपी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए तो हमारा फिगर कहां बनना चाहिए, फिगर आपका ऊपर बनना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही है। ये चीज तो क्लियर हो गया कि आपका एचपी का ये दोनों तो केस होगा नहीं। अब बात करते हैं यहां, तो यहां पे भी देखते हैं तो राइट साइड में आपका फिर से कॉर्नर दिख रहा है तो ये फिगर तो पॉसिबल है नहीं। तो कंडीशन देखिए कि आपका ये राइट साइड में आपका क्या दिख रहा है, साइड दिख रहा है और कंडीशन में क्या बोला हमारा, साइड इन द वीपी, तो साइड इन द वीपी, तो देखिए वीपी में साइड का केस आपका बना हुआ है। सो दिस डायग्राम इज करेक्ट। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना डायग्राम। तो इससे हम लोग को क्या हो गया, ये मालूम चल गया कि हमारा स्टार्टिंग डायग्राम क्या है। तो हम लोग स्टार्टिंग डायग्राम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं कि आपका कैसे नेमिंग करना है और कैसे डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो जैसा कि हम लोग को फिगर देखिए, हम लोग का जो कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने यहाँ फिगर बना लिया, ठीक है, वीपी में बनाया क्योंकि वीपी का केस है। तो ये आपका फिगर हो गया जो हमको रियल में फिगर चाहिए था। तो सबसे पहले तो हम लोग नेमिंग का काम कर लेते हैं। तो नेमिंग क्या करेंगे, दिस वन इज ए डैश। ए डैश क्यों, क्योंकि आपका ये फ्रंट व्यू में है, ठीक है। तो ए डैश, बी डैश, सी डैश और ये हो गया डी डैश, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नेमिंग किसका, फ्रंट व्यू का। अब हमें सेम चीज क्या करना है, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, तो हमें इसका क्या निकालना है, सेंट्रल पॉइंट निकालना है, सेंट्रल जहां से हम लोग को एक्सिस आपका गुजरेगा। तो देखिए मैंने जैसा बताया था कि हेक्सागन और स्क्वायर ऐसे चीजों में तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बात करें हम हेक्सागन की और बात करें स्क्वायर की, तो इसमें हमको सेंटर पॉइंट निकालना तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस आपस में डायगोनल्स को जोड़िए, आपका सेंटर पॉइंट आपको ऑप्टेन हो जाएगा। तो ये हमको सेंटर पॉइंट आराम से इजीली ऑप्टेन हो जा रहा है। तो इसमें भी सेम हम सेंटर पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसके
डायगोनल्स को आपस में क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे दोनों डायगोनल्स को आपस में जोड़ लिए और यहाँ से हमको सेंटर मिला। तो जैसे आपका नेमिंग हमारा यहाँ पे हुआ ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, तो वैसे ही आपका नेमिंग यहाँ पे भी होगा ओ डैश। ठीक है, तो इसका नेमिंग करते हैं हम लोग टॉप व्यू में। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। जैसा हमको मालूम है कि एक्सिस के पास जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका हिडन हो जाता है। तो इसमें आपका ए हिडन हो जाएगा और इधर आपका बी हिडन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मालूम है कि ये आपका एक्सिस जो है आपका हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब एक्सिस का हाइट जो है आपका कितना दिया है क्वेश्चन में, आपका दिया है, आपका एक्सियल हाइट दिया 60 mm। तो इस 60 mm हाइट को हमको क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो देखिए कहाँ से पुट करते हैं ये ध्यान दीजिएगा। एक्सिस का 60 mm हाइट का मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ से 60 mm को मेजर करेंगे और पुट करेंगे। हमारा जो एक्सिस का जो 60 mm हाइट है वो हम लोग यहाँ एक्सिस से मेजर करके पुट करेंगे, ना कि इस पॉइंट से मेजर करके पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 60 mm पुट करेंगे, जहाँ पे भी पॉइंट आएगा वहां पे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, मैच कर देंगे इसके जितने भी आपके लाइंस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैच कर देते हैं। तो ये आपका देख सकते हैं कि हम लोगों ने सबको जोड़ दिया। तो ये आपका ऑप्टेंट फिगर है और ये आपका हो जाएगा ओ, ये ओ डैश है, तो उसी का प्रोजेक्शन ये आपका हो जाएगा ओ। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो एंगल है ये आपका 45 degree टू VP आपका इंक्लिनेशन है। तो 45 degree टू VP इंक्लिनेशन है, तो हमको ये जानना जरूरी है कि आपका जो फिगर बना है, तो ये चीज़ तो मैं आपको हर फिगर में हर वीडियो में आपको कल मतलब बार बार रिपीट करता हूँ ताकि ध्यान रहे आपको, कि जो फिगर अगर हमारा VP में बना है, अगर फिगर हमारा VP में बना है तो जो एंगल होगा वो आपका VP से बनेगा और वो आपका कहाँ बनेगा, ये मान लीजिए थीटा है, तो वो आपका एंगल कहाँ से बनेगा, XY के नीचे बनेगा। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर मैं बात करूँ, अगर HP में फिगर बना है, HP में अगर आपका फिगर बना हुआ है, तो पहला एंगल जो होगा वो आपका कहाँ बनेगा, वो बनेगा आपका HP से, लेकिन बनेगा कहाँ, XY के ऊपर। तो HP से एंगल XY के ऊपर बनता है, VP से एंगल XY के नीचे बनता है। तो चलिए हम लोग इसका जो डायग्राम है, जो मेन कल था आपका जो पूरा सॉल्यूशन है, इसको हम लोग ड्राइंग कॉपी में करेंगे और वहाँ पे समझेंगे कि आपका कहाँ लाइटनेस, कहाँ डार्कनेस का, कहाँ पे कितना मतलब यूज़ करना है, किस तरीके से नेमिंग करना है, ताकि प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी पैटर्न के हिसाब से हम आंसर एग्जाम में बना सकें। ठीक है, तो जब भी मैं बनाता हूँ तो आप भी अपना ड्राइंग कॉपी लेके हमारे साथ प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए ड्राइंग कॉपी में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन जैसा दिया है, क्वेश्चन आपका दिया है कि हम लोग पहले क्वेश्चन का डेटा लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है। तो स्क्वायर पिरामिड जो है आपका शेप क्लियर हो गया कि स्क्वायर पिरामिड है। अब आपका क्या क्या चीज़ दिया है, इसमें एज दिया हुआ है, बेस का एज दिया हुआ है, वो आपका दिया है एज ऑफ बेस, वो दिया आपका 30 mm, तो ये भी क्लियर है। उसके बाद एक्सियल हाइट दिया हुआ है, एक्सियल हाइट क्या होता है, बेसिकली आपका एक्सिस हाइट होता है, एक्सियल हाइट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक्सिस का हाइट है, वो आपका यहाँ पे 60 mm दिया हुआ है। उसके बाद कंडीशन बोला साइड इन द VP। ठीक है, और मेन चीज़ जो है आपका एंगल जो इंक्लिनेशन दिया है 45 degree टू VP। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या है, जो गिवन डेटा है, इस गिवन डेटा से हम लोग क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग फिगर बना लेते हैं। तो स्टार्टिंग फिगर हम लोग ब्लैकबोर्ड में तो देखे ही हैं, लेकिन हम लोग को ड्राइंग कॉपी में कैसे बनाना है वो भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक्सिस आपका जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सिस। तो एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आपका XY एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपका साइज़ जो दिया है वो दिया है कि बेस आपका 30 mm का होगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपका 30 mm साइड दे देते हैं, यहाँ पे 30 mm का ये आपका साइड दे देते हैं, ये हो गया 30 mm का साइड। इसके हम लोग पैरेलल मूव करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे 30 mm जो है उसको मेज़र कर लेते हैं, ये आपका 30 mm यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं। सो दिस वन इज 30 mm और ये आपका 30 mm का पूरा स्क्वायर जो है आपका
हमें ऑप्टेंड हो गया, तो ये हो गया आपका थर्ड ईयर। तो सबसे पहले तो काम ये करते हैं कि ये जो आपका स्क्वायर आया है इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग का रूल वही जो हमारा कहता है सेम हम लोग अप्लाई करेंगे। ये है आपका ए डैश, क्योंकि आपका ये क्या है, आपका टॉप व्यू है कि फ्रंट व्यू है, तो ये फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू में हमारा नेमिंग कैसे होता है, विद डैश होता है। तो ये आपका नेमिंग क्या है, ए डैश। यहाँ पर हो जाएगा बी डैश, ये हो गया आपका सी डैश, और ये रहा आपका डी डैश। तो ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को नेमिंग यहाँ पे भी करना है, तो ये आपका हो जाएगा ए बी सी डी। अब बात ये आती है कि जो एक्सिस के पास होता है वो क्या होता है भाई, आपका हिडन होता है, तो बी और ए जो आपका हिडन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेस रेडी हो गया। मगर क्वेश्चन में क्या है, ये पिरामिड है, तो पिरामिड के लिए हमको क्या चाहिए, एक्सियल हाइट। तो एक्सियल हाइट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको सेंटर निकालना पड़ेगा इसका, तो सेंट्रोइडल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मात्र दोनों के डायगोनल को मैच कर दीजिए, दोनों डायगोनल को आपस में, यहाँ से हमको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। उसी सेंटर पॉइंट को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये रहा आपका एक्सिस, ये रहा आपका एक्सिस। अब एक्सिस की हाइट कितनी है, तो वो है 60 mm। तो 60 mm हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो ये आपका आ गया 60 mm हाइट, और इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। तो ये आपका कंप्लीट फिगर हम लोग को यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है। लेकिन इसका भी नाम होगा, ये आपका हो जाएगा ओ डैश, और ये आपका हो जाएगा ओ, इसी का आपका प्रोजेक्शन है। तो देखिए टॉप से जब देखेंगे तो आपको ये लाइंस भी दिखेंगे, तो इसलिए टॉप में आपका ये भी जुड़ेगा, आपका सेंटर से आपका सारे पॉइंट जुड़ेंगे, तो ये आपका जुड़ेगा, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टार्टिंग फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, स्टार्टिंग फिगर तो कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं हमारा कि इसके बाद हम लोग को क्या बनाना है, एंगल के अकॉर्डिंग जो गिवन एंगल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्यूशन करना। तो एंगल कितना दिया, 45 डिग्री टू वीपी। तो 45 डिग्री टू वीपी का मतलब क्या होता है कि आपका नीचे एंगल बनेगा, तो वीपी से एंगल नीचे बनता है, तो एंगल हम लोग क्या करते हैं 45 डिग्री हम लोग नीचे अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 45 डिग्री, ये आप ले लीजिए 45 डिग्री, तो ये आपका 45 डिग्री यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 45 डिग्री हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये एक्सिस बनाएंगे, क्योंकि हमें जो हाइट दी रहती है वो एक्सियल हाइट होती है। तो ये हम लोग ने एक्सिस बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को एक्सिस के अकॉर्डिंग हमको 45 डिग्री पे इंक्लाइन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसका जो लेंथ है, ये जो हम लोग डिस्टेंस जो मेज़र कर रहे हैं वो इतना रखना है कि आपका ये जब ऑब्जेक्ट को मोड़ा जाए ऐसे, ऐसे जब टर्न करेगा, तो टर्न करने के टाइम में ये जो पोर्शन आपका टर्न होगा वो एक्सिस, इस एक्सिस के उस पार ना चला जाए, तो इतना डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है। तो ये हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग बाय यूजिंग कंपास और राउंडर हम लोग इसको यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ सेंटर से ओ मेज़र करके यहाँ पर हम लोग ओ लगा लेते हैं। उसके बाद सेंटर से ए यहाँ लगा लेते हैं, और सेम आपका यहाँ बी और सी लग जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो ये आपका जो इम्प्लीमेंट करना था, ये चीज़ आपका इम्प्लीमेंट हो गया, प्लॉट हो गया। तो ये आपका हो गया, ये हो गया। अब नेमिंग कर लेते हैं हम लोग साइड बाय साइड। तो दिस वन इज ए डी बी सी एंड दिस वन इज ओ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल जाएंगे, जैसा कि हम लोग सभी फिगर में कर रहे हैं, इसके पैरेलल जाएंगे और इन सारे पॉइंट्स को ऊपर की तरफ हम लोग रेस करेंगे। तो ये आपका रेस कर दिए। सेम वे आपका यहाँ पे भी हम लोग सारे पॉइंट्स को रेस करेंगे, और ये हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को रेस कर दिया, ये आ गया। अब हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। ए ए आपस में क्रॉस हुआ, इंटरसेक्ट होके यहाँ पे क्या बना, ए वन डैश, बी बी
यहाँ पे गया बी वन डैश सी सी आपस में क्रॉस हुआ सी वन डैश सेम वे डी डी आपस में क्रॉस हुआ डी वन डैश और ओ ओ ये हो गया ओ वन डैश। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आउटर लाइन्स है उसको जोड़ देते हैं, आउटर लाइन्स को जोड़ देंगे तो दिस वन इज आउटर लाइन्स, तो ये आउटर लाइन को हम लोग जोड़ देते हैं, ये आपका कंप्लीट आउटर लाइन को जोड़ देते हैं। और आउटर लाइन जोड़ने के टाइम में इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई पॉइंट्स आप गलत ना जोड़ दें। ये आपका प्रॉपर आउटर लाइन हमने जोड़ दिया। अब हम लोग को बस ये करना है कि जो हिडन है और जो विजिबल है उसको हम लोग को अप्लाई करना है। तो देखिए आपका सी और बी जो है एक्सिस के पास है तो ये आपका हिडन हो जाएगा, तो ये आपका हिडन हो गया, ये आपका हिडन हो गया। और ओ डी और ओ ए जो है वो आपका विजिबल हो जाएगा क्योंकि वो एक्सिस से आपका ओ डी और ओ ए आपका विजिबल हो जाएगा। तो ये आपका हम लोगों ने प्लॉट कर लिया, तो ये आपका देख सकते हैं कि फिगर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि एक्स और वाई एक्सिस हमको इसको शो करना है, तो दिस वन इज़ वाई कैपिटल वाई एक्स ये हो गया। उसके बाद हम लोग डायमेंशन भी शो करना है, डायमेंशन में आपका एंगल भी शो करना है, तो एंगल शो कर लेते हैं। एंगल आपका दिया हुआ है 55 डिग्री टू वीपी, तो 45 डिग्री टू वीपी भी हम लोग शो कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जब एंगल शो करना है तो एंगल शो करने के लिए प्रॉपर सिस्टम हम लोग फॉलो करेंगे, तो ये आपका प्रॉपर सिस्टम फॉलो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एरो बना लेंगे, लाइट फील करेंगे एंड ये रहा, सो एंगल इज 45 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ शो करेंगे। उसके बाद हम लोग को इसके डायमेंशन भी शो करने हैं कि हाइट कितना है, तो ये आपका हाइट के लिए। उसके बाद इसका बेस जो है बेस के लिए भी हम लोग शो कर देंगे, मतलब जितना कंप्लीट है कंप्लीट आप डायमेंशन शो करेंगे, ये आपका डायमेंशन हम लोग प्रॉपर शो करेंगे। इसका जो डायमेंशन है ये आपका 60 mm है, सो 60 mm एंड दिस वन इज 30 mm, सो दिस वन इज 30 mm। सो ये रहा एरो, एरो को लाइट फिल करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि डार्क करने से क्या होता है वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जो चेकर होगा। देखो गलतियाँ जो होती हैं गलतियाँ अलग से दिखती हैं, आप पूरे पेज में काम कीजिए सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉस मार दीजिए, आपको पूरा फिगर बाद में दिखेगा पहले ये दिखेगा। तो याद रखिएगा कि जो ये गलतियाँ हैं वो थोड़ा सा आपको छुपाना है, तो इसीलिए एरो जो है एरो को डार्क नहीं रखना है। रीज़न ये है कि हमारा जो मेन फिगर है वो ये सब है, तो हमें जब भी देखे तो सबसे पहले हमारा जो अट्रैक्शन हो, अट्रैक्शन मतलब ऐसा हो कि आंखें जो खींचे वो ये फिगर खींचे, ना कि ऐसा ना हो कि हम देख इधर है लेकिन हमारी आंखें जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है जो गलतियां गिरेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपका जो अगर ये डार्क है ये बहुत ज़्यादा डार्क है तो हमको ये फिगर से ज़्यादा हमारा अट्रैक्शन जो होगा इन एरोज पे होगा, जो कि हमको एरोज आपका मेन चीज़ नहीं है, मेन आपका जो है ये फिगर है। तो इसलिए फिगर आपका डार्क होना चाहिए, प्रॉपर नेमिंग आपकी डार्क होनी चाहिए, बाकी आपका एरो लाइट होना चाहिए। तो ये पूरा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में अभी तक सिंगल एंगल प्रोजेक्शन है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल एंगल प्रोजेक्शन करेंगे। दूसरा एंगल जब होता है एक एचपी से एक वीपी से या एक वीपी से एचपी से तो हम लोग कैसे डील करते हैं उसको देखेंगे। चलिए ब्लैकबोर्ड पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो आज हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं था, ये क्वेश्चन अगर आप पिछले वीडियो से हम कंपेयर करें तो बस चेंजेस बस यही था कि वो जो क्वेश्चन था आपका सिंगल एंगल प्रोजेक्शन वो भी था ये भी था, बस उसमें क्या था विद रेस्पेक्ट टू हम लोगों ने एचपी आपका क्वेश्चन किया था, यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू वीपी किए। तो बस अब इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपका स्टार्टिंग फिगर है वो मेन इंपॉर्टेंट है, और आपका सिंगल एंगल प्रोजेक्शन अगर आप सीख गए तो डबल एंगल प्रोजेक्शन बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल एंगल प्रोजेक्शन के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोज टिल द एंड एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।